सूर्य नमस्कार आरंभ करने के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े होंगे और प्रथम स्थिति में नमस्ते की स्थिति पर आ जाएंगे। ये है आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में सांस भरते हुए आप हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, धरती को छूने की कोशिश। मैं यहाँ आपको अपना माथा घुटने पर लगाकर दिखा सकती हूँ, लेकिन आप उतना ही करेंगे जितना आप कर सकते हैं। यानी गर्दन को इस प्रकार से, जैसे मैंने ढीला छोड़ा है, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कमर पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ लंबा खींच देंगे। दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में रहेगा। चेहरा ऊंचा रहेगा, सीना ऊंचा रहेगा, कमर दबी रहेगी। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे। फिर और गहरा सांस भरते हुए दायां पैर भी पीछे ले जाएंगे और कमर को धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधा कर देंगे। और गहरा सांस भरते हुए आप लेंगे साष्टांग प्रणाम, यानी कि आपका माथा, आपका सीना, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पंजे जमीन पर। पैरों को पीछे लंबा खींच देंगे। सांस भरते हुए आप सर्पासन की स्थिति में आ जाएंगे। जितना हो सके पीछे झुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश और अपने पैर के पंजों को देखने का प्रयास। आपके शरीर की आकृति ऐसी बन जाए जैसे कि माउंटेन, पहाड़ की स्थिति हो। सांस भरते हुए बायां पैर जो पहले पीछे गया था वो आगे आ जाएगा और दोनों हथेलियों के बीच में आपका बायां पैर, दायां पैर पीछे की तरफ लंबा खिंचा रहेगा। चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर नीचे की ओर दबी हुई। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर यानी दायां पैर भी आगे ले आएंगे और फिर से आप आगे की ओर झुकेंगे। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ जाने दें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना और थोड़ा सा पीछे झुक जाना। सांस छोड़ते हुए नमस्ते की स्थिति। फिर से अपने अंगूठों को कंठकूप में लगा देना, कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए।